तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो फॉर्मेट में नहीं कर सकते, आप ऑडियो फॉर्मेट में नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं बढ़ा सकते या किसी और सोशल मीडिया पे आप काम करके अर्निंग नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे ऐसा अर्निंग का तरीका बताऊँगा जिससे कि आप अभी तो नहीं लेकिन जब आप उस पर कंटिन्यूसली काम करते हो उस पर अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अगर आप उस पर काम करते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की। ब्लॉगिंग वेबसाइट आप गूगल पे blogger.com पे भी फ्री बना सकते हो, वर्डप्रेस पे भी आप बना सकते हो। उस पर आपको अगर A to Z मतलब कुछ भी नहीं पता है, XYZ कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप YouTube पे वीडियोस देख के आपको सिंपल दो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे ब्लॉगर को इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगर पे होता है कि वो रैंक बहुत टाइम बाद होता है, बहुत देर बाद वो रैंक करता है, और यहाँ पे आपका खुद का डोमेन है और खुद की होस्टिंग है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा SEO में जल्दी रैंक करता है क्योंकि आपने वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं तो वहाँ पे जल्दी रैंक करता है। तो इन एंड अराउंड मैं आपको बताऊं कि जब भी आप सपोज आप किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे वहां जाते हो, किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट को आप बनाते हो और उस पर आर्टिकल लिखते हो, तो आप अराउंड 20 से 25 आर्टिकल लिखो। कम से कम जो रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम ब्लॉगिंग की वो 300 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है एज अ ब्लॉगर अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 ब्लॉग्स लिखो यहाँ पे गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करने के लिए, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो वहाँ पे सिर्फ 20 to 25 ब्लॉग्स आप लिखो कम से कम 1000 वर्ड्स के। इसके बाद आप अप्लाई करो गूगल एडसेंस के लिए। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो 20 से 25 में ही आपका अप्रूवल मिल जाता है, बट आपके आपके ब्लॉग पे या आपकी वेबसाइट पे वहाँ पे कम से कम 100 वर्ड्स होने चाहिए। 20 से 25 यानी कि 20 से 25 एक महीने मान के चलता हूँ इतना आप वहाँ पे लिखते हो 1000 वर्ड्स के। और रही बात नीच की या टॉपिक की, पता नहीं बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं नीच पार्टिकुलर डिफाइन करो जिसमें टैलेंट हो, यार गूगल पे बहुत कुछ है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत 2-4-10% आपको उसमें नॉलेज है, आप उस टॉपिक पे बनाओ और इसके बाद में गूगल पे सर्च करो, तो अदर वेबसाइट हैं उनसे सर्च करो, बस आप कॉपी पेस्ट मत करो, उस पर लिखा है वो अपने खुद से टाइप करो और खुद से पब्लिश करो, उस पर SEO करो। और जैसे ही आपका गूगल एडसेंस से वहाँ पे मैप होता है और वो मोनेटाइज होता है, एड्स शो होने लगते हैं आपकी वेबसाइट पे और उससे अर्निंग आपको होने लगती है। हाँ बस इसमें ये है कि आपको वो तुरंत नहीं होती है, इंस्टेंट अर्निंग उसमें नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम ये फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा वो अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका अर्निंग का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आप उसके लिए सोच भी नहीं सकते हो। मतलब कि आपको ऑडियो भी नहीं बनाना, वीडियो भी नहीं बनाना है, फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ाने, बस आप का जो कंटेंट है ना वो धीरे धीरे रैंक करता रहता है। थोड़ा आप SEO पे काम करते रहो और उसमें चाहो तो आप एफिलिएट अकाउंट भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पर। अभी कुछ सेटअप इस पर और वीडियोज अभी कुछ मैं लाऊंगा। तो इस टाइम जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है स्टिंगर का है, जो एक वर्डप्रेस साइट है, एकदम वन क्लिक इंस्टॉलेशन आपको वर्डप्रेस में देता है। और स्टिंगर में आपको 2.5 से 3 हज़ार में 1 साल के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों फ्री में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैंने लिंक यहाँ पे नीचे दे रखा है, आप डायरेक्ट होस्टिंगर की वेबसाइट से खरीद सकते हो या यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे वहाँ हो रहा होगा वहाँ पे भी आप विजिट करके देख सकते हो। अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो नीचे मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक से आप परचेस करो और वहाँ से आपको कुछ अराउंड 20-30% डिस्काउंट मिल जाएगा उस लिंक से। तो आप नीचे दी हुई लिंक से आप अपना डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हो और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे इस पर काम करो। मैं ये नहीं कहता एक दिन में 10 पोस्ट लिखो, डेली एक लिखो, 6 महीने में जाके तो अर्निंग होगा, 1 साल में, क्योंकि टाइम हमेशा वैसे ही रहता है, पैसे की नीड आपको हमेशा होती है। तो अगर आज आप शुरू कर रहे हो तो आने वाले 1-2 साल में कुछ ना कुछ वो आपको अर्निंग जरूर देके जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप उस पर सिंगल क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हो। और इजी है सेटअप करना उस स्टिंगर पे, अच्छा है चैट सपोर्ट इनका, अच्छा है सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं और सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल में ये इसी पे परचेस करना है लोग। तो आई होप आप समझ गए होगे, बाकी और आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसे गाइड करते हैं, कैसे SEO करते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।